नमस्कार, टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ज्योति। देखिए, बता दें कि लोकसभा का सत्र चल रहा है और इस लोकसभा के सत्र में लगातार पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पर किसी भी मुद्दे को लेकर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। अब लोकसभा के सत्र के दौरान ही बता दें कि भाजपा के सांसद यानी निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने इशारों में कहीं ना कहीं कांग्रेस और ललन सिंह पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं और जिनके द्वारा बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनसे जाकर उनके बारे में अभी जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, अब तो जो लोग उनको सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, हम उनसे ही सवाल करना चाहते हैं या फिर उनसे ही हम जानना चाहते हैं कि एक वक्त था कि वही लोग जो थे उनके विरोध में खड़े थे और उनका लगातार उस पर जो है विरोध करते नज़र आ रहे थे, लेकिन आज वही लोग जो है उस पार्टी में जाकर मिल गए हैं। वैसे ही भ्रष्टाचारी नेता को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट देते नज़र आ रहे हैं। ये बड़ा सवाल जो है आपको बता दें कि भाजपा के नेता यानी निशिकांत दुबे ने इस महागठबंधन सरकार पर उठाया है। पहले आप ये सुनिए कि निशिकांत दुबे क्या कुछ बातें सामने रख रहे हैं। लालू प्रसाद जी हैं सर, लालू प्रसाद जी को ललन जी ज्यादा बताएंगे, बोलते हुए यदि इस हाउस में सही सही बोलेंगे तो, यदि सच बोले तो, आज जो लालू प्रसाद जी के बेटे को जो है उन्होंने जिसने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया है वही उसके जो है विरोध में खड़े थे सर। और यहां की कांग्रेस सरकार थी 95 में जिसने कि लालू जी को अंदर कर दिया, हमसे किस बात का विरोध? विरोध तो आपको कांग्रेस से होना चाहिए ना। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद तमाम लोग खुशी मना रहे हैं, कहीं लड्डू बांटे जा रहे हैं तो कभी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा अब जो है कमज़ोर नजर आएगी। जिस तरीके से वो लगातार भाजपा तैयारी कर रही थी कि किस तरीके से अपने विपक्षियों को यानी महागठबंधन सरकार को हर एक मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही थी, कभी तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल करवाती है तो कहीं राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है, लेकिन अब इन तमाम फैसलों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जब से अपना बयान जारी किया है, उन्होंने जब से अपना फैसला सुनाया है, अब भाजपा जो है इस पर यह कह रही है कि अभी तक राहुल गांधी जो है निर्दोष मुक्त नहीं हुए बल्कि उन पर स्टे लगाया गया है, तो अभी इतनी खुशी मत मनाइए। और आपको बता दें कि अब महागठबंधन सरकार जो है ये लगातार भाजपा को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम कर रही है और ये बोल रही है कि अब भाजपा जो है अपनी हार के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब हम लोग और भी मजबूती के साथ अपने आप को सामने रखने वाले हैं और ये मजबूती कहीं ना कहीं भाजपा को जो है हार का आईना जो है दिखाने वाली है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।